दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बीसी सखी बहनों के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। और इतना ही नहीं, आज से प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होने जा रही है। मिशन इंद्रधनुष में कौन सी बहनें हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और ग्रामीण भाई और बहनों तक, बच्चों तक मिशन इंद्रधनुष को पहुंचाएंगी। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको काम करना है। अगर आप एक बीसी सखी हैं तो यकीनन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, या उत्तर प्रदेश की निवासी हैं फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें सीखने और जानने को मिल सके। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी फोटो चल रहे हैं, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक, ये पिक है ग्रामीण स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बीसी सखी बहनों ने कैंप का आयोजन किया है। कई जगहों पर बीसी सखी बहनों ने आपको बीसी सखी बहनों ने ग्रामीण स्तर पर लोगों के बीच पहुंचकर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 1 मार्च 2023 से 15 अगस्त 2023 का जो दूसरा चरण है, जिसमें 49,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जहाँ पर बीसी सखी बहनों को ये टारगेट लक्ष्य दिया गया है कि आप गांव घर में ज़्यादातर लोगों को बताएं, अपने काम को प्रमोट करें ताकि ज़्यादातर लोग आपसे आधार कार्ड से आधार कार्ड पैसे ट्रांसफ़र कराएं या खाते से ताकि आपका बिजनेस बढ़े और आप अपनी आजीविका चलाने में मदद प्राप्त कर सकें। दोस्तों आगे वीडियो में देखेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी द्वारा बीसी सखी बहनों का 1 साल तक मानदेय दिए जाने का प्रपोजल भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, मऊ की बीसी सखी श्रीमती अनीता सिंह जी द्वारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद कई समस्याओं का निदान स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बीसी सखी महिलाओं को 1 साल तक मिलेगा वेतन, केशव प्रसाद मौर्य ने किया नया प्रपोजल तैयार। समूह की महिलाओं की अमृत सरोवर सखी के रूप में तैनाती हो, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। और इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह की जितनी भी बीसी सखी, बैंक सखी, समूह सखी या फिर और भी बहनें हैं, उन लोगों को रोज़गार देने की बात कही गई है और मानदेय भी नियमित तौर पर दिए जाने की बात कही गई है। अनीता सिंह की अध्यक्षता में बीसी सखी महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और उनसे चर्चा की कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जैसे वो 75,000 रुपये को वापस की जाने की समस्या हो या फिर जो भी पॉश मशीन या ATM कम पॉश मशीन पार्टनर बैंक एजेंसियों के द्वारा दिया गया है उसके सही तरीके से नाम काम करने को लेके हो, इन सभी चीज़ों पे स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इन सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के अनुसार कोविड के दौरान प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ बच्चों एवं 4.25 लाख गर्भवती महिलाओं ने टीका नहीं लगवाया था, जिसके उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिगत इन सभी के टीकाकरण के लिए विभिन्न जिलों में 3 चरणों में 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी आशा बहनें और NM बहनें और तमाम स्वास्थ्य सखी बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और गाँव घर में सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक मिशन इंद्रधनुष के द्वारा टीकाकरण कराएंगी। दोस्तों आगे अगर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं किस तरीके से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर काफ़ी तेज़ी से काम कराया जा रहा है। दोस्तों नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में वास्तविक पात्र प्रधानमंत्री शहरी योजना आवास योजना से वंचित हैं। दोस्तों कई जगहों पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में काफ़ी धांधली दिखती हुई नज़र आ रही है। सहारनपुर नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में प्रधानमंत्री शहरी आवास को लेकर बड़े स्तर की धांधली देखने को आ रही है, जहां नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना के गरीब वास्तविक पात्र प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से वंचित हैं, जो कि टिन टप्पर के घरों व छप्पर नुमा घरों एवं कच्ची छत के टूटे फूटे कच्चे घरों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ लेने हेतु दर दर भटक रहे हैं। वहीं नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अपात्र लोग लेन देन के चलते बनाए गए हैं पात्र हैं। सहारनपुर नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में गरीब पात्र लोग नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना के कार्यालय व डूडा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमित कर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हेतु की गई जांच में अप्रत्यक्ष भेदभाव किया गया है। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण गरीब पात्र प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं व लेन देन के चलते रसूखदार अपात्रों को पात्र बनाया जा रहा है, तो इस चीज़ को
जहाँ तक आपकी निगरानी में, अगर आप एक संविदाकर्मी हैं, यकीनन अपने ग्राम प्रधान सचिव या फिर ब्लॉक स्तर या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा ज्ञापन पत्र जरूर दें। अगर आपके हक को कोई मार रहा है तो यकीनन आप इस चीज़ की शिकायत संबंधित के खिलाफ ज़रूर करें। तो दोस्तों, सभी बीसी सखी बहनें इस वीडियो को अगर देखी है तो यकीनन आपको कुछ सीख मिली होगी। विशिष्ट कस्पोरेंट महिला उत्थान समिति के जो भी सदस्य हैं वो लोग समय समय पर उप मुख्यमंत्री जी द्वारा मिलते रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव से पहले आपको बहुत कुछ पॉजिटिव समाचार मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो निवेदन करता हूँ, जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।